हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है श्री बांके बिहारी की रसोई में। मेरा नाम रीति है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आम का सूखा अचार, वो भी बहुत चटपटा और टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने 1.5 किलो कच्चे आम लिए हैं। मैंने इसको धो के अच्छे से सुखा लिया है, पोंछ लिया है। आप लोग इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसको काटते हैं। तो पहले मैंने एक आम लिया है और उसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा काट लिया है। इस तरह से आप लोग काट लीजिएगा और इसके मुझे लंबे पीस काटने हैं। आपका जो मन करे, जैसा मन करे वैसा काटिए, छोटा बड़ा जैसा आपका मन करे। मैं लंबे साइज़ में काट रही हूँ। इस साइज़ में काटने से आम का अचार देखने में भी सुंदर लगता है। तो चलिए मैं इस तरह से अपने सारे आम काट लेती हूँ। आम की जो गुठलियाँ बचेंगी ना, आप इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। ये सारी गुठलियाँ आप इकट्ठी करके फ्रिज में रख दीजिए और जब आप दाल बनाओ तो ये उसमें डाल दो और फिर देखो आपको दाल में कितना टेस्ट आएगा। खूब अच्छी लगती है दाल, ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने सारी अमियाँ इस साइज़ में काट ली हैं। अब मैं इसमें सेंधा नमक ऐड करूँगी। मैं सिर्फ सेंधा नमक ही डालूँगी और दोनों नमक इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये लड्डू गोपाल के लिए भी बना रही हूँ और वो खाली सेंधा नमक ही खाते हैं। आप लोग चाहो तो वो दोनों नमक जो है ना, काला नमक और जो प्लेन नमक होता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें अब हल्दी भी डाल दी है। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दीजिए। ये देखिए हल्दी और नमक अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है और अब इसको आप ढाँक के रख दीजिए 2 दिन के लिए। किसी कपड़े से इसको ऊपर से आप बांध दीजिए या कोई प्लेट ढक दीजिए। 2 दिन के लिए इसको आपको रखना है। इसमें से बहुत सारा पानी छूटेगा और बीच बीच में इसको आप चलाते रहिएगा, पर लेकिन वो पानी आपको फेंकना नहीं है। पानी को इसमें दोबारा से यूज़ करना है बनाते समय, ठीक है। ये देखिए 2 दिन के बाद इसमें कितना सारा पानी छूट गया है और ये पानी ही मुझे अचार में डालना है। बहुत सारे लोग ये पानी यूज़ नहीं करते हैं अचार में, लेकिन ये अचार में ज़रूर डालना चाहिए, यही पानी आम का। तो चलिए इसे छान लेते हैं। इस तरह से आप इसको छान लीजिए और पानी को अलग कर लीजिए। इस तरह से आप इसको छान लीजिए, पानी सारा अलग हो जाएगा। फिर अब इसको सुखाना है। एक आप बड़ी सी प्लेट लीजिए और उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अच्छे से सुखा लीजिए। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। और अब आप आम के इस पीसेस को इसमें फैला दीजिए, दूर दूर करके फैला दीजिए और 1 दिन के लिए इसे रख दीजिए सुखाने के लिए। अगर आप लोगों के यहाँ धूप नहीं आती है तो आप लोग इसको फ़ैन में भी सुखा सकते हैं। मैं इसको फ़ैन के नीचे रखूँगी 1 दिन के लिए पूरा और अच्छे से ये सूख जाएंगे। और अगर आपके यहाँ धूप अच्छी आती है तो ये 1-2 घंटे में अच्छे से सूख जाएंगे और आप इसका अचार भी उसी दिन बना सकते हो आराम से। ये देखिए अच्छे से सूख गए हैं और इसमें सॉफ्टनेस भी है। मैंने इसको ज़्यादा ड्राई नहीं किया है, 1 दिन पंखे में रखा है मैंने इसको। और इसको ज़्यादा आप ड्राई मत कीजिएगा, ज़्यादा ड्राई करने से आम का अचार भी अच्छा नहीं लगता है खाने में और उसकी शक्ल भी चेंज हो जाती है। तो चलिए अब इसका मसाला बनाते हैं। 30 ग्राम मैंने पीली सरसों ली है और 30 ग्राम मैंने सूखा धनिया लिया है और ये कश्मीरी मिर्च है और तीखी मिर्च है लाल वाली, ये मैंने घर में ही दरदरी पीस ली है। 1 टेबल स्पून राई है, 1 टेबल स्पून अजवाइन है, 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून जीरा और ये है 50 ग्राम सौंफ और 30 ग्राम मेथी दाना। ये है सेंधा नमक और ये है ब्लैक पेपर जो मैंने घर में ही पीसा है, काली मिर्च का पाउडर, और ये है हींग। तो चलिए अब इन मसालों को थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। इन मसालों को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो, 2-3 मिनट चलाना है और फिर इनको लौट लेना है। ज़्यादा देर करेंगे तो जल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आप सब मसालों को रोस्ट कर लीजिए इस तरह से।
मसाले की क्वांटिटी अचार में अच्छे से होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी तरीके का अचार बना रहे हों, उसमें मसाला अच्छी क्वांटिटी में आप लोग डाला करिए। कम मसाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम मसाला जब होगा तो अचार आपका ऐसे ही खाली खाली देखने में भी नहीं अच्छा लगने वाला, और फिर आप दाल चावल संग खाओगे भी क्या जब मसाला नहीं होगा, है ना। और राई है ना, ये मसाले को खट्टा कर देगी खूब अच्छे से। इसका काम है खट्टे करने का मसाले को। तो देखिए, मैंने सारे मसाले अपने रोस्ट कर लिए हैं इस तरह से। कलौंजी मैं अलग से रोस्ट करूँगी, क्योंकि इसको पीसना नहीं होता है, साबुत डालना होता है। और ये सारे मसाले दरदरे पीस लूँगी और थोड़े साबुत डालूँगी। और ये है सरसों तेल, जिसको मैं गरम कर रही हूँ, और इसको फिर ठंडा करके ही डालूँगी। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, गरम नहीं डालना है। और मैंने कम क्वांटिटी ली है, क्योंकि मुझे सूखा अचार बनाना है, तेल वाला नहीं बनाना है। ये देखिए, मैंने थोड़े से साबुत मसाले रखे हैं, और ये मैंने हींग इसमें ऐड कर दी है। हींग की क्वांटिटी मैं ज़्यादा डाली है, और इसमें ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, काली मिर्च पाउडर, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और ये तेल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये है पिसा हुआ मसाला, आप देख लीजिए, मैंने इसे दरदरा पिसा है इस तरह से। मैं आम का सूखा अचार बना रही हूँ, इसलिए कम तेल का यूज़ कर रही हूँ। कम लगेगा थोड़ा सा, तो मैं और ऐड कर लूँगी। अभी ऐसे मिला के देखती हूँ। हल्दी की क्वांटिटी कम डालिएगा, क्योंकि इसे आपने पहले भी डाल रखा है आम में। ये जो दरदरी मिर्ची इसमें मैं डालती हूँ ना, तो ये बहुत सुंदर लगती है आम के अचार में। अब मैं इसमें काला नमक ऊपर से डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल के लिए अलग से मसाला निकाल लिया है। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि लड्डू गोपाल को अचार बहुत पसंद है। आप लोग भी लाला के लिए अचार ज़रूर बनाया करो, दाल चावल के साथ अचार उनको दिया करो। तो अब इसमें मैं अमिया मिलाऊँगी इस तरह से, थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि मुझे सूखा बनाना है, तो मैंने इसमें तेल ज़्यादा ऐड नहीं किया, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस तरह से मैं इसमें मिला लूँगी। सफ़र के लिए तो ना सूखा ही अचार अच्छा लगता है। अगर हमें कहीं जाना होता है ना, तो सबसे पहले हम सूखा अचार ढूँढते हैं कि कोई सूखा अचार मिल जाए, चाहे किसी का भी हो, क्योंकि तेल वाले अचार से हाथ गंदे हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ भी होता होगा, तेल ही फैल जाता है बैग के अंदर, तब तो पूछिए मत कितनी टेंशन होती है और गुस्सा आता है। इसलिए जर्नी में तो सूखा अचार ही बेस्ट है। और ये है मेरे लड्डू गोपाल का अचार, ये देखिए। मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं करी है, क्योंकि लाला लाल मिर्च नहीं खाते हैं, आप लोग सब ये बात जानते होंगे। तो मैंने जो मसाला पीसा था ना, उसी से मैंने लाला का अचार बना लिया, और मैंने ये वाला अचार हम सबके लिए बना लिया। ये देखिए, मैंने इस पर लाल मिर्च डाली है, और जो मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है ना, इससे आम का अचार ना बहुत ही सुंदर लगता है। आप किसी भी अचार में कुटी हुई लाल मिर्च ही डाला करिए। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी पीसी है दरदरी, और जो तीखी मिर्च होती है ना, उसको भी मैंने दरदरा पीसा है। और इसमें अब मैं वेनेगर डाल रही हूँ। वेनेगर डालने से आपका अचार लंबे समय तक चलेगा, ख़राब होने से बचेगा। तो आप लोग वेनेगर डाल लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा चला लीजिए, और फिर इसमें डालिए अब आम का पानी, वो जो हम लोगों ने 2 दिन के लिए रखे थे ना आम, ये वही पानी है। अब इसको अच्छे से चला लीजिए, और चला के इसको किसी कपड़े से बांध के अच्छे से रख दीजिए धूप में। कपड़े नहीं हो तो आप इसके ऊपर प्लेट भी रख सकते हैं ढक के, पर ध्यान रखिएगा इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको ये आम के अचार की रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बगल वाली घंटी दबाना भूलना ही नहीं है। अगर आप वो दबाओगे तो मेरी हर न्यू वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। और ये मोटा मोटा दरदरा जो मसाला मैंने पीसा है ना, बहुत अच्छा लगता है जब ये मुँह में आता है दाल चावल के साथ और पराठे के साथ। इसको आप खाइए,
बहुत टेस्टी लगता है। बिल्कुल महीन मसाले में वो स्वाद नहीं आता है जो इस मोटे मोटे मसाले में आता है। एक बार ट्राई करिएगा। तो चलिए ठीक है, पसंद अगर आ जाए ना तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। राधे राधे। और इस तरह से कपड़े से बांध दीजिए और धूप में रख दीजिए, आपका अचार बन जाएगा बहुत ही टेस्टी। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, लग रहा है ना सुंदर। तो चलिए आप लोग भी बनाइए।